नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब घोटाले के बाद एक और बड़े मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल सिख फॉर जस्टिस से फंडिंग मामले में LG ने की है NIA जाँच की सिफारिश। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। LG VK सक्सेना ने NIA जाँच की सिफारिश की है। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के LG VK सक्सेना ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से राजनीतिक फंडिंग प्राप्त करने के लिए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ NIA जांच की सिफारिश की है। सक्सेना को शिकायत मिली थी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को देवेंद्र पाल मुलर की रिहाई की सुविधा देने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूह से भारी धनराशि यानी 16 मिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त हुई थी। सक्सेना ने सिफारिश की है कि चूंकि शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ गई है और एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से प्राप्त राजनीतिक फंडिंग से संबंधित है, शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता है। LG ने जनवरी 2014 में केजरीवाल द्वारा इकबाल सिंह को लिखे गए एक पत्र का भी हवाला दिया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आप सरकार ने पहले ही राष्ट्रपति को प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई की सिफारिश की है। यह भी बताया गया कि भुल्लर की रिहाई के लिए लिखित आश्वासन की मांग को लेकर इकबाल सिंह जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे और केजरीवाल का पत्र मिलने के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया था। शिकायत खालिस्तानी आतंकवादी गुरुवंश सिंह पन्नू द्वारा जारी एक वीडियो को संदर्भित करती है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आपको 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानी समूह से 16 मिलियन अमरीकी डॉलर मिले हैं। केजरीवाल केस में 7 मई को अगली सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव के चलते अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हम मंगलवार को सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेंगे, अगर ये मामला लंबा चलेगा तो हम अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। इस पर आपकी क्या राय कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यू।